हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज 18 अगस्त दिन रविवार, आज मैं आप सबको देश और विदेश की 25 सेलेक्टेड बड़ी खबरों के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल Lucky 25 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें। सबसे पहले तो आप सबको बता दें कि इतिहास में आज के दिन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। वहीं इतिहास के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस प्लेन से जा रहे थे वो लापता हो गया था और उसके 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने प्लेन के क्रैश होने और नेताजी के निधन की जानकारी दी थी। इसी के साथ आज की अगली चौंकाने वाली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं जिनमें 15 अगस्त नहीं 18 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। और वहीं आपको बता दें कि यह जगह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित राणा घाट और कृष्णा नगर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग की गई। वहीं इसी के साथ आप सबको बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज काफी परेशान है, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। इसको लेकर मंत्रालय का सुरक्षा को लेकर कमेटी बनाने का ऐलान किया गया। इसी के साथ केंद्र सरकार ने कुछ फैसले लिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए अलग से कमेटी बनेगी। देश भर में हड़ताल के बीच मंत्रालय का यह बड़ा फैसला है। और वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से IMA ने कोलकाता कांड में हस्तक्षेप करने की अपील की, पत्र लिखकर रखी 5 मांगे। वहीं इसी के साथ आप सबको बता दें कि CBI टीम एक बार फिर से मेडिकल अस्पताल पहुंची, क्राइम सीन की डिजिटल मैपिंग होगी, वहीं पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ जारी है। वहीं इसी के साथ कोलकाता रेप मर्डर केस पर निर्भया की मां का भी रिएक्शन आया, बोली ममता इस्तीफा दें, वे मुद्दे से ध्यान भटका रही हैं। और इसी के साथ ही CBI आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी अगली बड़ी खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द करने पर सक्रिय हुई प्रदेश सरकार, छुट्टी के दिन भी खुला रहा शिक्षा निदेशालय, CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे आपातकालीन बैठक। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया, 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है UP सरकार। और वहीं इसी के साथ इन फैसलों के बीच शिक्षक नेता बोले कि 6,000 से 7,000 टीचर बाहर हो जाएंगे, इससे सरकार जिम्मेदार है इसकी। 69,000 शिक्षक भर्ती पर लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या होगा इसका असर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहवूर भारत भेजा जाएगा, अमेरिकी अदालत ने दी है मंजूरी। वहीं इसी के साथ आप सबको बता दें कि इस आतंकी तहवूर राणा को भारत लाया जा सकता है, अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील खारिज की। वहीं इसी के साथ मुंबई हमले की फंडिंग का आरोपी है यह। इसी के साथ गांव वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि ईडा अब गांव में शुरू करेगा कौशल विकास केंद्र, स्थानीय युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर है यह। वहीं आपको बता दें कि ईडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी तरफ से गाँव में अब कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब चीन के कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे दुनिया के गरीब देश, PM मोदी ने दुनिया के सामने रखा खास प्लान। इसी के साथ आपको बता दें कि चाइना की एक नीति है कि गरीब देशों को खूब ज़्यादा लोन देती है और उसके बाद जब लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर उस देश की मुख्य मुख्य चीज़ों जैसे एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि पर अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि अब छोटे और गरीब देश चीन के कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें PM मोदी ने नई व्यवस्था ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा है दुनिया के सामने। और वहीं आपको बता दें जिसके तहत विकासशील और गरीब देशों को विकास प्राथमिकताओं के आधार पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। और वहीं इसी के साथ ही शुरुआत में ही भारत ने खुद $35 लाख देने का ऐलान किया है। इसी के साथ PM मोदी बोले कि ग्लोबल साउथ की ताकत इसकी एकता है, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती है, बिजनेस बढ़ाने के लिए 21 करोड़ का फंड भी बनाएगा भारत। इसी के साथ ग्लोबल साउथ के देश कौन से होते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो रेड वाला भाग है वो सारे ग्लोबल साउथ के देश बोले जाते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 22 अगस्त को 9 राज्यों की चंडीगढ़ में बड़ी बैठक, पर्यटन स्थलों के विकास पर केंद्र करेगा मंथन। और वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है और यही वजह है कि 22 अगस्त को चंडीगढ़ में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों के साथ एक क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ इंटरनेशनल न्यूज से अगली बड़ी खबर, PM मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की, पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा, बंधकों की रिहाई युद्ध विराम पर भी चर्चा की उन्होंने। इसी के साथ हेल्थ अपडेट से जुड़ी अगली बड़ी खबर, भारत में मंकी पॉक्स का कितना खतरा है, JP नड्डा ने की स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक। और वहीं इसी के साथ ही बैठक में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने तैयारियों का जायजा लेते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। और वहीं इसी के साथ ही आकलन किया गया है कि भारत में इसके बड़े प्रकोप का जोखिम फिलहाल बहुत कम है। वहीं आपको बता दें कि इस इमरजेंसी बैठक का कारण यह था कि WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, 2 साल में दूसरी बार यह ऐलान किया गया। वहीं स्वीडन में इसका पहला केस मिला था
वहीं इसी के साथ भारतीय सेना से जुड़ी अगली बड़ी खबर, भारत में बने पोर्टेबल अस्पताल क्यूब का सफल परीक्षण किया गया। और वहीं आपको बता दें कि पहला ड्रॉप एयरफोर्स और आर्मी ने C-130J हरक्यूलिस से 15,000 फीट की ऊंचाई से गिराया। वहीं इसी के साथ आप सबको बता दें कि भारत के एयरफोर्स और आर्मी ने शनिवार 17 अगस्त को दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का पैरा ड्रॉप किया। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि इस पोर्टेबल अस्पताल से इमरजेंसी में कहीं पर भी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। वहीं आपको बता दें इसकी मुख्य खासियत यह है कि अस्पताल में जरूरी सभी चीजें इसमें आसानी से उपलब्ध हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, इसरो बोला गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर में होगी। जीवन रॉकेट के हार्डवेयर श्रीकोटा पहुंचे, वहीं त्रिवेंद्रम में क्रू मॉड्यूल पर काम जारी है। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अयोध्या में लाइटें चोरी होने का मुद्दा जो मीडिया में उठा था, और वहीं आप सबको बता दें इस पर ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि अयोध्या में बैंबू लाइटें चोरी होने का सच यह है कि कंपनी ने 2600 लाइटें लगाकर ही 6400 लाइटों का पेमेंट लिया था। जब जांच हुई तो इसकी चोरी की FIR दर्ज करा दी। इसी के साथ स्पोर्ट्स से अगली बड़ी खबर, 2030 तक यूथ ओलंपिक में जुड़ सकता है क्रिकेट। ICC के GM बोले क्रिकेट को जगह मिलनी चाहिए, भारत मेजबानी के लिए तैयार है। इसी के साथ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर बोले हिंदुओं पर हमले बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए, मोदी से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा भी किया, नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस पर भी हमला हुआ था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, MBBS के लिए देश के बेस्ट कॉलेज की लिस्ट जारी हुई, NIRF ने नई लिस्ट जारी की। वहीं आपको बता दें टॉप 10 में रैंकिंग भी बदल गई, एक नया कॉलेज भी शामिल हो गया इसमें। और वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि इस लिस्ट में टॉप पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है जो कि दिल्ली का है। और वहीं इसी के साथ ही दोस्तों बताते हैं आज के मौसम का हाल कि देश का मानसून ट्रैकर आपको बता दें कि हिमाचल में फिर से बादल फटा, नेशनल हाईवे बंद हो गया, कानपुर में गंगा उफनाई, 50,000 लोग इससे प्रभावित हैं। वहीं आपको बता दें कि आज भी 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। और वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें बिहार मानसून अपडेट कि 10 जिलों में हो सकती है बारिश, पटना में उमस भरी गर्मी करेगी परेशान, प्रदेश में अब तक 24% कम बारिश हुई है। और वहीं इसी के साथ ही मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट आपको बता दें कि रक्षाबंधन के बाद भारी बारिश का अलर्ट है कि 19 अगस्त से पूरा प्रदेश भीगेगा, आज छिंदवाड़ा देवास समेत 7 जिलों में गिरेगा पानी। और वहीं इसी के साथ ही हिमाचल में बादल फटा, आधी रात घरों से भागे लोग, ऊना में पुल टूट गया, किन्नौर में रोड भी धस गया, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 2 जगह से बंद हो गया। और वहीं इसी के साथ ही अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में क्या रहेगा मौसम का हाल, जिसे आप स्क्रीन पर डिटेल्स में देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम के बाद चलिए जानते हैं सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें कि सोने और चांदी में रही सप्ताह तेजी, सोना 941 रुपये बढ़कर 70,604 रुपये पर पहुंच गया, वहीं चांदी 1247 रुपये महंगी हुई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सेमीकंडक्टर व बुलेट ट्रेन परियोजना पर होगी भारत जापान में बातचीत, 20 सितंबर को दोनों देशों के बीच 2+ वार्ता होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर दिखेगा ब्लू मून का अद्भुत नजारा, कुछ राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और वहीं आपको बता दें कि ब्लू मून का नाम सुनते ही अगर आपके मन में भी विचार आता है कि इस दिन चांद नीले रंग का दिखाई देगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। वहीं आपको बता दें कि ब्लू मून असल में खगोलीय घटना है जो हर साल में 2-3 बार घटती है। और वहीं आपको बता दें कि ब्लू मून पर चांद सामान्य साइज से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। वहीं इसी के साथ ही कल रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को कई राज्यों में बसों में फ्री मिलेगी यात्रा की सुविधा। वहीं इसी के साथ अगली चौंकाने वाली बड़ी खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साफ पानी के लिए तरस रहे गरीब देशों के 440 करोड़ लोग, 135 देशों की आबादी पर शोध के बाद मिले हैं चौंकाने वाले परिणाम। और वहीं इसी के साथ ही एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि कार्यबल का बड़ा हिस्सा वित्तीय तनाव से जूझ रहा है, अधिकांश ब्लू कॉलर नौकरियों में 20,000 से कम वेतन है, और यही वजह है कि कम सैलरी के कारण प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों में तनाव बहुत ज्यादा होता है। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर रहेगी, CBDT ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया खास निर्देश। और वहीं इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश लखनऊ से अगली चौंकाने वाली बड़ी खबर, लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने से हड़कंप मच गया, खाली कराया गया 1.5 किलोमीटर तक का इलाका। और वहीं इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, UP T20 लीग का मैच शेड्यूल जारी हुआ, 25 अगस्त से इकाना स्टेडियम में होगी लीग की शुरुआत, 14 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चौंकाने वाली डिटेल सामने आ रही कि योग की तस्वीरों से लीक हुआ भारत का न्यूक्लियर वेपन सीक्रेट, अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। और वहीं अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत अपने सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ावा दे रहा है। और वहीं इसी के साथ ही अंत में आप सबको करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ डिटेल्स बता दें कि राजेश सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए, वहीं पुण्य सलिला स्वास्थ्य सचिव बनी, केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने 15 अफसरों के विभाग बदले हैं। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही, और आप किस राज्य से इस खबर को देख रहे हैं यह कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।